हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अरिस्टोटल बायोलॉजी में। और आज हम बात करेंगे आपके थर्ड सेमेस्टर कोर डेटा के बारे में। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और इसमें हम पढ़ेंगे आज चिलोनिया, सिटेशियन मैमल्स, लैटिमेरिया और राइनो के बारे में। तो चिलोनिया, व्हाट इज चिलोनिया? चिलोनिया इज फर्स्ट ऑर्डर ऑफ लिविंग रेप्टाइल्स कंप्राइजिंग ऑफ टर्टोइस या टर्टल्स। तो चिलोनिया जो है वो आपके क्या होते हैं, कछुए के जैसी एक प्रजाति है जिसका नाम क्या है, चिलोनिया है। और ये लिविंग रेप्टाइल्स है जो किस में आते हैं, टर्टोइस और टर्टल्स में आते हैं। देयर इज एन एक्सोस्केलेटन विच इज कंबाइंड विद एंडोस्केलेटन टू फॉर्म ए बोनी केस इन विच द बॉडी ऑफ एनिमल्स इज एनक्लोज। तो इसमें क्या है कि जो एक्सोस्केलेटन है मीन्स जो बाहर वाला कंकाल है, विच इज कंबाइंड जो अटैच रहता है या जुड़ा रहता है विद एंडोस्केलेटन अंदर वाले स्केलेटन से, टू फॉर्म ए बोनी केस एक हड्डी के ढांचे की तरीके की स्ट्रक्चर बनाता है। इन विच द बॉडी ऑफ एनिमल्स, जिसमें एनिमल्स की बॉडी इज एनक्लोज बंद रहती है। तो इसमें एक्सो और एंडोस्केलेटन कंबाइन होकर एक बोनी केस बनाता है जिसमें एनिमल बंद रहता है। वाल ऑफ थोरेसिक कैविटी आर इमूवेबल। जो थोरेसिक की जो वाल होती है वो क्या होती है, अचल होती है या वो मूवमेंट नहीं कर पाती। ड्यू टू रिब्स आर यूनाइटेड विद ईच अदर। क्यों? क्योंकि जो रिब्स हैं वो एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं सीट्यूल के थ्रू। और इनमें टीथ अब्सेंट होते हैं। टंग इज थिक एंड फ्लैशी। जो जीभ होती है वो कैसी होती है, थिक और फ्लैशी, मतलब मांसल होती है। जो बात करें अगर इसके हर्ट की, तो वो 3 चैम्बर पाया जाता है और ह्यूमन बींग से 4 चैम्बर पाया जाता है। और जिसके यूरिनरी ब्लेडर है वो भी क्या होता है, लार्ज होता है। मतलब क्या है कि जो इसके यूरिनरी ब्लेडर होगा वो लार्ज होगा, 3 चैम्बर्ड हर्ट होंगे, और जो टंग है वो फ्लैशी और थिक होगी, टीथ भी इसमें अब्सेंट होंगे। तो सेकेंड क्या है, सिटेशियन मैमल्स। तो बात करें अगर हम इसकी वर्ड की, तो लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है ये, जिसका मीनिंग क्या है, व्हेल या ह्यूज फिश। मतलब क्या है, इसमें हम किसके बारे में पढ़ेंगे, जो बड़ी फिश होगी उसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। कार्निवोरस मींस ये क्या कैसी होती है, मांस भक्षी, मतलब मांस को खाने वाली होती हैं। मोस्ट स्पीसीज लिव इन सी। तो जिसकी ज़्यादातर स्पीसीज हैं वो कहाँ पर रहती हैं, समुद्र में रहती हैं। सम इन वाटर और कुछ पानी में रहती है। प्लेसेंटल मैराइन मैमल्स, ये क्या होते हैं, मैराइन मीन्स ये समुद्री मैमल्स होते हैं। हाईली स्पेशलाइज्ड ऑर्डर ऑफ मैमल्स, ये क्या है, सबसे ज़्यादा इसमें स्पेशलाइजेशन होगा, ये उस वो वाला ऑर्डर है मैमल्स का। लार्जेस्ट एनिमल्स, इसमें क्या होंगे, जो बड़े बड़े मैमल्स हैं इसमें वो आ जाएंगे, जैसे व्हेल। बेस्ट अडेप्टिड मैमल्स फॉर लाइफ अंडर वाटर, ये क्या होते हैं, सबसे ज़्यादा अडेप्टिड मैमल्स होते हैं पानी में रहने के लिए। नो हाइंड लिंब मीन्स कि जो पीछे वाले जो लेग्स होते हैं वो इनमें अब्सेंट होते हैं। वार्म ब्लडेड, वार्म ब्लडेड मीन्स गर्म रुधिर वाले। गर्म रुधिर से मतलब क्या है कि जो आपको पूरे साल दिखेंगे वो वाले क्या होंगे, हुए आपके गर्म रुधिर वाले होंगे। एग्जांपल आप इसको यहाँ से ऐसे याद कर सकते हैं, जैसे ह्यूमन बींग्स भी क्या होते हैं, वार्म ब्लडेड होते हैं। मतलब क्या है कि हम पूरे साल भर दिखते हैं ह्यूमन्स, तो हम कैसे हैं, वार्म ब्लडेड है, ओके। और जो कोल्ड ब्लडेड होंगे उसका मतलब क्या होगा कि वो वाले एनिमल्स जो हमें पूरे साल कभी कभी दिखते हैं, कि हमें जो पूरे साल एक तरीके से हर एक मंथ में ना दिखाई दें, वो क्या हो जाते हैं, कोल्ड ब्लडेड। जैसे लिजार्ड हो गई, छिपकली हो गई, और फ्रॉग्स हो गए, स्नैक्स हो गए, ये सब आपके क्या है, कोल्ड ब्लडेड है। फिर लास्ट पॉइंट क्या है, पेरेंटल केयर मींस ये पेरेंटल केयर शो करते हैं। और एग्जांपल क्या है इसके, व्हेल्स, डॉल्फिन एक्सेट्रा, ये इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। बात करें अगर हम अगली की, तो अगला क्या है, लैटिमेरिया, जो जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, सैक्सर लिविंग फॉसिल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ये क्या है, ये एक रेयर जीनस है, किसका, फिश का, दैट इंक्लूड टू एग्जिस्ट स्पीसीज। तो जिसमें क्या प्रेजेंट है, एक्सटेंट स्पीसीज प्रेजेंट है दो। पहले क्या है, लैटिमेरिया चैलमनी, और सेकेंड क्या है, लैटिमेरिया मिनाडोएंसिस। जो फर्स्ट वाली है वो क्या है, एक वेस्ट इंडियन ओशियन की फिश का नेम है, और सेकेंड वाली क्या है, इंडोनेशियन की फिश का नेम है, सिलेंथ का। दीज आर मोर क्लोजली रिलेटेड टू लंग फिश, ये क्या है, लंग फिश के से ज़्यादा रिलेटेड है। मतलब क्या है कि इनके बीच में जो सिमिलरिटीज़ है वो ज़्यादा पाई जाती है। रेप्टाइल्स एंड मैमल्स, तो जो ये लैटिमेरिया है जीनस, वो ज़्यादा रिलेटेड किससे है, लंग फिश से, रेप्टाइल से और मैमल्स से। बॉडी इज कवर्ड बाई कॉस्मोइड स्केल्स, जो स्केल्स हैं वो भी कई टाइप की होती है, जिसके बारे में हम अपनी आने वाली वीडियोज़ में बात करेंगे। तो जिसकी बॉडी कवर्ड होती है, किस टाइप की स्केल्स पाए जाते हैं इसमें, कॉस्मोइड टाइप के स्केल्स प्रजेंट होते हैं। स्केल्स क्या हैं, जो ये इस तरीके की संरचना यहाँ पर दिखाई दे रही है आपको, हल्की हल्की सी, ये क्या है, स्केल्स हैं। टू डोर्सल फिन्स आर प्रजेंट, कि डोर्सल जो एक तरह से आगे वाले जो फिन्स हैं वो कितने प्रजेंट होंगे, 2 प्रजेंट होंगे।
और जो रेस्पिरेशन है वो किसके थ्रू लिया जाएगा, गिल्स के थ्रू। तो इनमें रेस्पिरेशन गिल्स के थ्रू होगा और फिन्स इसमें 2% होंगे, वो भी डोर्सल में। स्केल्स की बात करें तो कॉस्मोइड प्रेजेंट है। फिर लास्ट ऑर्डर क्या है, राइनो। राइनो एनिमेलिया किंगडम से बिलोंग करते हैं, जिसमें क्या आ जाते हैं, एक सिंग वाले गैंडे आ जाते हैं। बात करें अगर हमें इसके टीथ की, ऑफ टीथ आर प्रेजेंट अपर एंड लो। ह्यूमन बींग्स की तरह इनमें भी जो दांतों का प्रेजेंट है वो क्या होता है, दो रो प्रेजेंट होती है, ऊपर और नीचे की साइड। वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन न्यूजीलैंड, और ये ज़्यादातर कहाँ पर पाए जाते हैं, न्यूजीलैंड में। और ये नॉक्टर्नल और डायर्नल दोनों होते हैं, मतलब क्या है कि ये दिन में भी एक्टिव रह सकते हैं और रात में भी एक्टिव रह सकते हैं। डायर्नल मींस दिन में एक्टिव रहने वाले, और नॉक्टर्नल मींस क्या होता है, रात में एक्टिव रहने वाले। ये क्या होते हैं, ये वीवीपैरस होते हैं। मींस क्या इस चीज़ का, कि जो ये बर्थ देंगे वो किसको बर्थ देंगे, लिव यंग को बर्थ देंगे, ठीक है। एग की फॉर्म में बाहर नहीं आएगा बेबी, किस फॉर्म में बाहर आएगा, लिव यंग की फॉर्म में बाहर आएगा। और बात करें अगर हम इनके फीडिंग टाइप की, तो ये क्या होते हैं, ये हर्बीवोर्स होते हैं। मीन्स कि ये हर्ब्स पे फीड करते हैं, शाक सब्जी वाले होते हैं, ये कार्निवोरस नहीं होते। तो आज की वीडियो में गाइस इतना ही, मिलते हैं फिर जल्दी किसी और वीडियो के साथ में। और सॉरी गाइस, आज ये थोड़ा इसमें मिसप्रिंट हो गया था, तो इस वजह से आज थोड़ा स्लाइड में प्रॉब्लम आ रही है।